नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़ी। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर है। उन्होंने सोलन में पहले रोड शो किया, इसके बाद शिमला में उनका अभिनंदन समारोह हुआ। वहीं जेपी नड्डा शाम को भाजपा कोर ग्रुप मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर भी बीजेपी केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में 4 घंटे के भीतर 500 से ज्यादा मरीजों का टेस्ट हुआ है। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। गौतम अडानी ने शेयर्स में आई तेजी के कारण वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 12 में अपनी जगह बना ली है। वहीं अंबानी एक पायदान नीचे 13वें स्थान पर है। मनाली विंटर कार्निवल के दूसरे दिन मॉल रोड मनाली में लेफ्ट बैंक के 98 महिला मंडलों की 1200 से अधिक महिलाओं ने कुल्लवी प्राचीन वेशभूषा में सामूहिक कुल्लवी लोक नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही मॉल रोड में कुल्लवी लोक संस्कृति का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने कुल्लवी लोक नृत्य का आनंद लिया। इन दिनों पूरे देश में राम भजन को काफी पसंद किया जा रहा है। मेरे घर राम आए हैं, इसके सिंगर जुबिन नौटियाल कहते हैं, हमने यह गाना पिछले साल रिलीज किया था। मैं सिर्फ गाने की आवाज हूँ या टीम वर्क है। जब हमने इसे रिलीज किया था तो हमें नहीं पता था कि यह राम मंदिर आंदोलन से जुड़ेगा। आज बच्चे भी इस गाने को सुन रहे हैं और नाच रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए स्वरमय टाइम्स।